हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनीथिंग मास्टर। मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपको वापस दिखाने वाला हूँ क्लैश ओलंपिक। जी हाँ, क्लैश ओलंपिक्स और इसके रूल्स। अगर आपने मेरा पिछला क्लैश ओलंपिक देखा होगा तो आपको पता होगा, द विनर इज़ द फर्स्ट प्लेयर टू गेट देयर बॉडी पार्ट अक्रॉस द फिनिश लाइन। अब की बार पार्टिसिपेंट लिस्ट ज़्यादा है। बारबेरियन, आर्चर, जायंट, कॉपलिन, वॉल ब्रेकर, विजार्ड, पेक्का, माइनर, हॉग राइडर, वल्कायरी, गोलम, विच एंड बॉलर। तो आपको अब मैं पिच के बारे में बताता हूँ। काफ़ी अच्छी घास है और ये फिनिश लाइन है। अगर ट्रूप्स मजा लेना चाहें तो सामने बीच भी है और बोटिंग में बोटिंग भी कर सकते हैं वो लोग, लेकिन ओलंपिक्स है, सारे सीरियस है और आपकी बार ऑडियंस भी है। विजार्ड टर्के पर विजार्ड बैठ के देख रहे हैं, वॉल बॉम्ब टर्के पर बॉम्बर बैठ के देख रहा है, आर्चर टर्के पर आर्चर और घास भी देखते हैं। अब की बार ये क्लैश ओलंपिक कौन जीता है, तो रेट्स टाइम। सबसे पहले बारबेरियन, 3-2-1 गो। और बारबेरियन अच्छा भागते हुए, देखते हैं अब की बार कौन सी पोजीशन पर आते हैं। पिछले क्लैश ओलंपिक में थर्ड पोजीशन पर आए थे और अब कुछ ही मिलीमीटर दूर हैं, 17 सेकंड हो चुके हैं और पहुंचने ही वाले हैं और पहुंच गए। 26.43 सेकंड, ठीक ठाक ही है। और आर्चर अच्छा, अगर आपने मेरा पिछला क्लैश ओलंपिक देखा होगा, आर्चर ही फर्स्ट आई थी, तो अब की बार भी लगता है जीतने के इरादे से आई है, काफ़ी तेज़ दौड़ते हुए और ये फिनिश लाइन को बहुत जल्दी पार कर लिया है और पहुंच गए 17.83 सेकंड, काफ़ी अच्छा। और जाइंट, अब जाइंट के बारे में आपको मैं क्या बताऊँ, ये तो ऐसे एक्ट करता है जैसे इधर इसका राज चल रहा है, एकदम टहलते हुए जैसे गार्डन में टहल रहे हैं। इसे तो जैसे ओलंपिक ही नहीं खेलना है, लेकिन हम खिला के रहेंगे और इसे जाना ही पड़ेगा बिल्कुल आराम से। 20 सेकंड हो चुके हैं, अरे जाइंट कब करेगा पार, और पहुंचने ही वाला है और ये पहुंच गया आखिरकार 35.9 सेकंड, काफ़ी स्लो था। और गॉबलिन काफ़ी तेज दौड़ते हुए जैसे इन्हें कोई ट्रेन पकड़नी है, ज़्यादा ही तेज, बिल्कुल ट्रेन की तरह जा रहे हैं, छुक 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 छुक, और ये बहुत ज़्यादा तेज और कंप्लीट कर लिया 13.2 सेकंड। और आ चुके हैं वॉल ब्रेकर का बॉम्ब उससे भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है, और पिछली रेस में हमने वॉल ब्रेकर के भाई बॉम्बर को लिया था, लगता है उससे नाराज़ होकर आज खुद मैदान में उतर चुके हैं। और ये भी काफ़ी स्पीड दौड़ते हुए दिखते हैं और पहुंच गए 17.83 सेकंड्स। अब विजार्ड जैसा कि आप जानते हैं, विजार्ड तो काफ़ी तेज़ डैमेज करता है, बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, दिखता छोटा है लेकिन इससे ज़्यादा लोग पंगे नहीं लेते और आराम से जॉगिंग करते हुए जा रहा है। देखते हैं अब की बार कौन सी पोजीशन पे आता है। और 20 सेकंड हो चुके हैं और फिनिश लाइन पार करने ही वाला है, लगता है 25 सेकंड लेगा और ये 26.33 सेकंड्स। और अब आते हैं पेक्का, डैमेज का राजा पेक्का, एकदम अपनी आन बान शान से चलते हुए और सिर्फ अपना लेफ्ट हैंड हिला रहे हैं चलते चलते, जैसा कि आप जानते हैं। और कुछ लोग नहीं जानते कि पेक्का एक लड़की है और उसका सूट काफ़ी भारी होता है, और लेकिन फिर भी सूट बहुत भारी है, फिर भी काफ़ी अच्छा टहलते हुए बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी 26.33 सेकंड। और माइनर जाते हुए, रूल्स के हिसाब से माइनर की एबिलिटी तो वैसे डिगिंग है, लेकिन इधर पे ओलंपिक्स में इसे भागना ही पड़ेगा, हम इसे वरना डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और आराम से फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड है इसकी और पहुंचने ही वाले हैं और ये पहुंच गए, वेरी गुड, 21.16 सेकंड्स। अब हॉग राइडर की भी आप एबिलिटी जानते हैं, वॉल के ऊपर से कूद सकता है, लेकिन इधर इसके बाप का राज नहीं चलता, हमारे बाप का राज चलता है, तो हम इसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे, इसलिए देखो आज बहुत डिसिप्लिन में चल रहा है और इसका हॉग भी बिल्कुल शांत है आज।
और पार कर लिया 18.8 सेकेंड्स। अब वल्कायरी, वल्कायरी भी, वल्कायरी की स्पीड भी आर्चर जैसी ही है और पार करते हुए आधा रास्ता पार कर चुका है, 10 सेकेंड हो गए। काफ़ी तेज़ है ये भी, लगता है ये भी आज जीतने के इरादे से आई है और पार कर लिया काफ़ी अच्छा 17.86 सेकेंड। और गोलम, गोलम के बारे में भी क्या बताऊँ, ये तो जाइंट का दादा लगता है, लगता है जाइंट। और इसने अपना कंपटीशन लगा है कि कौन लास्ट आता है और 10 सेकेंड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आराम से टहलते चलते हुए देखते हैं कब तक पार करेगा। लिख शायद कल तक पार हो जाए, लेकिन आप सब देखते रहिएगा क्लैश ओलंपिक्स। और बिल्कुल आराम से जाते हुए देखते हैं कब तक पार करता है, और पार कर ही लिया आखिरकार 36.66 सेकेंड्स। और विच का स्टार्ट, विच आपको पता ही होगा वो स्केलेटन्स पैदा करती रहती है और उसके स्केलेटन्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी स्पीड से तो देख के लग रहा है अपने स्केलेटन के सामने तो वो बहुत ही फुस्सी टाइप है। और आराम से जाते हुए देखते हैं कब तक पहुंचती है, और 25 सेकेंड्स हो गए हैं अभी तक नहीं पहुंची। ये भी काफ़ी स्लो है, दिखती तो नहीं है पर है काफ़ी स्लो, और पहुंचने ही वाली है और पहुंच गई 35.33 सेकेंड, अच्छा था। और लास्ट हमारा ट्रू बॉलर, बॉलर काफ़ी अच्छा जाते हुए अपने हाथ में पत्थर संभाल संभाल के लिए जाते हुए, लगता है उनके पत्थर में कोई सोना गड़ा है, ऐसे जा रहे हैं। और आधा रास्ता पार कर चुके और 15 सेकंड भी हो चुके हैं, देखते हैं। और ये हमारा लास्ट ट्रूप है, देखते हैं आज का रिजल्ट क्या निकलता है और कौन बनता है क्लैश ओलंपिक विनर। और ये बॉलर पहुंच गए 31.1 सेकंड, और अब रिजल्ट की बारी, देखते हैं लास्ट जाइंट, फिर गोलम, फिर विच, फिर बॉलर, फिर बार्बेरियन, फिर विजार्ड और पेक्का में टाई हो चुका है, फिर माइनर, फिर हॉग राइडर, फिर बॉलर, फिर बार्बेरियन, फिर हॉग, फिर वल्कारी, फिर आर्च।